ये जो डब्ल्यू सी है वॉल हैंग कमोड, यहाँ पे वॉल हैंग कमोड का पॉइंट बना हुआ है जो आप देख पा रहे हैं। इसका पॉइंट हमने 9 इंच पे रखा हुआ है फ्लोर से, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसका सेंटर 9 इंच है। और ये जो कैंसिल फ्लश टैंक है उसका सेंटर 14 इंच पर रखा हुआ है। अगर इसका सेंटर टू सेंटर देखेंगे तो ये 5 इंच होना चाहिए, देख लीजिए ये 5 इंच है। अगर इसका सेंटर टू सेंटर 5 इंच नहीं होता है, कम या ज़्यादा होगा तो वॉल हैंग कमोड नहीं बैठ पाएगा, क्योंकि इसका सेंटर 5 इंच होना चाहिए। अगर आपका इसका सेंटर नहीं लेते हैं तो आपको इस पाइप के कोर से कोर, दोनों पाइप का कोर आप देख लें, वहाँ पर 50 mm होना चाहिए, 50 mm नहीं तो 2 इंच। अगर इससे कम ज़्यादा होगा तो डब्ल्यू सी बैठाने में बहुत दिक्कत होगा और हो सकता है कि डब्ल्यू सी नहीं बैठ पाए। और ये जो चेयर ब्रैकेट है इसका हाइट देख लीजिए, यहाँ पे 320 mm है फ्लोर से, 12 इंच का हाइट रखा है यहाँ पे। ये चेयर ब्रैकेट जब डब्ल्यू सी का पॉइंट बना उसके साथ ये इसमें जाम हो गया है, बाद में इसमें फास्टनर लगाने की ज़रूरत नहीं। अब इसका फ्लश टैंक के बारे में आपको बताते हैं, ये कैंसिल फ्लश टैंक है जो फ्लोर से 1 मीटर हाइट पर रखा हुआ है। इसका हाइट ये फ्लोर से 1 मीटर हाइट पर है और ये हैंड फोकस का पॉइंट है डब्ल्यू सी के। ये जो डब्ल्यू सी है यहाँ पे इसका हैंड फोकस का पॉइंट है, ये फ्लोर से 18 इंच पर रखा हुआ है इसका हाइट। देख लीजिए इसका हाइट 18 इंच पे है।